धन्य आले। दोनों शब्दों का अर्थ बड़ा सुंदर प्रकट होता है। ऐसा स्थान जहां पर विद्या प्रदान की जाती है तभी वह शब्द कहलाया विद्यालय। इसी प्रकार शब्द अगला लेते हम छात्रावास। अच्छा, अब इसका वर्ण विस्तार करेंगे। छह आसान हो जाएगी आपको, नहीं तो आराम से पढ़ना आप।
रविंदर। अंतिम ध्वनि किसकी आई? इंदर की। जल्दी पढ़ा, मात्रा छोटी, स्वर छोटा। उसके बाद फिर जल्दी ध्वनि आई रवि, रवि खान इंदर। क्या कराया? रविंदर। अगला शब्द हमारा है कविंदर। आराम से पढ़ेंगे, शुद्ध उच्चारण करेंगे, संधि विच्छेद आसानी से हो जाएगा। इंदर। समय कब लगा? समय छोटा आया। या फिर समय कब लगा? समय छोटा आया। कवि खान इंदर। अब इनको या तो सक्रिय ले सकते हो आप, या कर सकते हो। मैं आगे थोड़ा सा इसको बोल दो साफ करना चाहता हूं। दीर्घ संधि के अंदर नियम नंबर 3। अगला वर्ण हमारा है सरल उद्गम। इसके अंदर हम शब्द लिखते हैं भानु के। बड़े आसानी से शुद्ध उच्चारण के अनुसार पढ़ेंगे, संधि विच्छेद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आसानी से। इसका वर्ण विस्तार करते हैं भै मात्रा आ की, मै मात्रा ऊ की, दै मात्रा ऐ की, ये मात्रा ऐ। अब हमारा जो दीर्घ वर्ण है आ भी हमारा दीर्घ है और ऊ भी हमारा दीर्घ है, लेकिन यहां इस आ को दीर्घ को हम हटा तोड़ते हैं, उससे पहले कुछ शब्द नहीं बन रहा है, इसलिए हम यहां जाएंगे। इस ऊ को नियम नंबर 3 के हिसाब से इसमें भी तोड़ सकते हैं, इसमें भी तोड़ सकते हैं, लेकिन शब्द शुद्ध होना चाहिए। अगर हम यहां से यहां तक लिखना शुरू कर देते हैं भय आती मात्रा और मैं लगा दिया, अगर हम इसको वर्ण को पढ़ेंगे तो भानु नहीं होगा धनु। समय कब लगा? हमारा हसव स्वर आएगा। हमारा क्या आएगा? हसव स्वर आएगा। उसके बाद यहां से शुरू कर देंगे उदय। समय फिर कब लगा? मात्रा छोटी आएगी। भानु होता है सूर्य, उदय बने उदय होता, यानी सूर्य उदय को हमने क्या बोल दिया? भानु देखे दिया। इसका अगला शब्द है वधूत्सव। वधूत्सव में क्या होता है? वधु मात्रा बड़ी, वधु हमारा स्वर दीर्घ होगा, उसके आगे क्या बचा? अपने आप शब्द ध्वनि देगा उत्सव, ये हमारा शब्द बना वधु धन उत्सव, यानी वधु का जो उत्सव है वो शब्द बनाया था वधुत्सव। इसके आगे शब्द है लघुर्मी। लघु समय कब फिर मात्रा छोटी? लघु धन है ऊर्मी। इसमें समय ज्यादा लग रहा है तो वर्ण भी हमारा दीर्घ हो जाएगा, मात्रा भी बड़ी हो जाएगी। ऐसे शब्द हमारे ऊवर के अंदर आते हैं, वो हमारे सब संधि का दीर्घ का किसका नियम है। इसमें बहुत कम उदाहरण मिलते हैं नियम नंबर 4 जिसके री के हैं। जो दीर्घ री है वो दोनों स्वर जो हसव स्वर होते हैं उससे मिलकर के बनी होती है। उसका उदाहरण इस प्रकार हमने ले लिया पितृण। इसका हम वर्ण विस्तार करते हैं, बहुत ही आसान है। पै ई की मात्रा, तै ये दीर्घ री है, अण और तै। अब जो ये दीर्घ री है वो हसव से मिलकर के बनी है, इसको हम अलग करेंगे। और वास्तव में जो ये पहला शब्द होता है ये मूल शब्द होता है। शब्द पहला क्या हुआ? पित्री। ये जो री है इसके अंदर नीचे एक मात्रा जुड़ जाती है पित्री, और उसके अंदर जाएगा
का ऋण हमारा क्या कर रहा है, पितृ ऋण कर रहा है। इसी प्रकार स्वधर्मण का मातृ ऋण आप खुद इसको दो शब्दों के अंदर बांटेंगे। तो जैसे स्वधर्मण है भ्रातृ, भ्रातृ होता है भ्रातृ शब्द होता है भाई, तो भाई का ऋण क्या कर रहा है भ्रातृ। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने समवर्त संधि का पहला भाग दीर्घ संधि को समझाने की कोशिश की और पूरा भी किया। आशा करता हूं आप लोगों के समझ में आया होगा। अगला टॉपिक हमारा इसका दूसरा भाग है गुण संधि का, और अगले वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही सुंदर और अच्छी ट्रिक लेकर के आएंगे और कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छे करने की। जय जय।